हेलो एवरीबॉडी, मेरे गोल मटर लड्डू पेड़ा और रसमलाई। आज का जो मैं कस्टम खेलने वाला हूँ 1v1, वो है मेरे कॉलेज वाले फ्रेंड के साथ, जिसने मेरे को इंस्टाग्राम पे बहुत टाइम पहले मैसेज किया था। ये बंदा मेरे को 4 मार्च के दिन यहाँ पर मैं उसकी UID भेजता और रील भी भेजता कि भाई ये मेरी UID है, इस पर रिक्वेस्ट भेज देना। शायद उसको पता था कि मैं गेम वेम खेलता हूँ, लेकिन वो कन्फर्म नहीं था, इसलिए मैंने भी उसके साथ थोड़ा सा प्रैंक किया। उसके बाद मैंने उसको मैसेज किया, भाई मैं लेकिन मैं फ्री फायर खेलता नहीं हूँ, 2 दिन पहले मैंने दोस्त का अकाउंट लिया था, 29 लेवल की ID बनोगे। मैंने कुछ भी कहानी बना दी और उसके बाद मैंने उसको कहा तो उसने फिर भी बोला मेरे को, उसने ठीक है मैंने उसको किया, उसने मेरे को 4 मार्च के दिन उसने मेरे को मैसेज किया था, जबकि मैंने उसको रिप्लाई दिया भाई उसके 1-1.5 महीने बाद। फिर भी बंदे ने बोला कि हाँ भाई भेज देना रिक्वेस्ट, और मैं इस चीज का वीडियो बना रहा हूँ, ये मैंने उसको भी नहीं बताया और उसको मेरे YouTube चैनल के बारे में भी कुछ नहीं पता है। चलिए फिर हमने कस्टम बना लिया और फटाक से कस्टम बनाने के बाद हमने इसको स्टार्ट कर दिया। उससे पूछा कि सब ठीक ठाक है, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा था, मैं उसके सामने ओवर एक्टिंग कर रहा था। तो पहला राउंड उसके सामने आया मैं, तो भाई मैंने हेडफोन नहीं लगाया हुआ था, तो मेरे को बहुत ज्यादा अजीब सा लग रहा था, तो मेरे को लगा चलो इसने पहला राउंड तो मेरे को अजीब सा लग रहा था इसलिए मार दिया। देखो हमारा पिंग भी कितना हाई जा रहा था भाई। चलो हमने 1 राउंड तो इसको दे दिया कि चलो 1 राउंड ये इसी की बदौलत जीत गया। और आज हमारा इंटरनेट खत्म हो गया था, इसलिए मैं दूसरी सिम से खेल रहा था, इसलिए थोड़ा सा मेरा पिंग भी बहुत ज्यादा हाई जा रहा था, मतलब थोड़ा सा हाई जा रहा था, ज्यादा भी नहीं मतलब जा रहा था। तो चलो इसने दूसरा राउंड मेरे को मार दिया, मेरे को पता नहीं था कि भाई किधर से मारा इसने, लेकिन भाई बंदे की तारीफ करनी पड़ेगी, इसने बहुत अच्छा हेडशॉट मारा मेरे को। अगला राउंड था 3रा राउंड भाई, इसमें तुम्हारा भाई कैसे समझ चुका था भाई, मतलब कैसे नहीं समझ चुका था कि अगर हम इसके ऊपर अटैक करेंगे तो ये हमको मार देगा। और देखो वो हमारा कुछ उसी प्रकार से उधर वेटिंग कर रहा था, फिर भी मैंने एक बार रिक्स लिया और मैं इसके ऊपर अटैक करने गया। यहाँ पर वुड पिकर का तो भाई हेडशॉट नहीं लग रहा था, मैंने शॉटगन से मारा इसको, तो भाई शॉटगन का ओनली रेड नंबर तुक्का लग गया 1 नंबर, तो हमने तुक्का मार दिया भाई। तो इसमें हमको मूवमेंट तो दिखानी थी, थोड़ी मूवमेंट दिखाई, फास्ट इमोट दिखाया थोड़ा सा, हमने थोड़ा जली ही किया उसको। अगला राउंड हमारे सामने आया, लेकिन हमारा नेट नहीं चल रहा था, इसके कारण बहुत ज़्यादा ग्लोअल हमारी एक जगह पर डिप्लॉय हो रही थी, मतलब ग्लोअल एक जगह पर लग जाती तो हट नहीं रही थी, इस कारण मैं ज़्यादा ग्लोअल लगाने को सोच नहीं रहा था कि मैं जितनी ज़्यादा ग्लोअल लगाऊंगा उतनी ही कम ज़्यादा जल्दी होगी, इसलिए भाई साहब उसने मेरे को ये वाला राउंड भी बहुत बुरी तरीके से मारा। लेकिन भाई अगर मैं स्क्रिप्टेड करता तो उससे इतनी गंदी मार थोड़ी नहीं खाता भाई, बहुत गंदा मार रहा था वो तो। इसके बाद भाई साहब हमारे सामने ये आ गया था यहाँ पर, मैंने सोचा इस बार हम डेजर्ट से ही मारेंगे, क्योंकि ना डेजर्ट वो 2-4 गन चलाते तो भाई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है वुड पिकर और डेजर्ट। तो मैंने यहाँ पर इसको डेजर्ट से ही मारने का सोचा कि भाई डेजर्ट से मैं अच्छा चला लेता हूँ तो मार दूंगा, तो भाई इसको यहाँ पर 1 नंबर ओपी हेडशॉट मार दिया मैंने। अगर आपको ये हेडशॉट पसंद आया हो तो भाई लाइक और सब्सक्राइब मार दो चैनल को, क्योंकि बहुत कम हेडशॉट मारता हूँ यार मैं। चलो दूसरे बार में क्या था, वो गोल मटल हमने थोड़ा बहुत डैमेज दिया था तो इधर कवर था, तो मैंने सोचा भाई एक आधा राउंड चीटिंग करके जीत ही जाते, तो अभी वो इधर से गया उधर से साइड से जो आ रहा था तो इधर से ही निकलना था, तो मैंने उसका ध्यान रखा, वो इधर से दौड़ने लगा और भाई मैंने इसको 288 का हेडशॉट मार दिया। इधर मैंने इसको हेडशॉट मारा और उधर आपने मेरे को सब्सक्राइब मार दिया, थैंक यू। अब यहाँ पर मेरा राउंड 3 और 4 से बराबर, मतलब आगे एक राउंड आगे था, मैंने भाई इसको हेडशॉट मारा, चलो सोनिया लग गई। अरे भाई लेकिन ये क्या हुआ, सोनिया नहीं लगी है तो मरा ही नहीं भाई। भाई मेरा इतना ज़्यादा इंटरनेट जा रहा है कि मैं एक जगह पर ग्लोअल लगा लेता हूँ और इसने भी मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया। अब मैंने यहाँ पर ग्लोअल लगा ली, मैं ग्लोअल कैसे उठाऊंगा भाई, मेरा नेट तो जा रहा है भाई, इलिमिनेट हो गया मैं यार। यहाँ पर राउंड तो अपन ही जीते भाई, क्योंकि यार पहले हेडशॉट मारा था तो फेक डैमेज लगा, फिर उसके बाद यार इलिमिनेट हो गया हमारी ग्लोअल की गलती से। अब यार भाई वो गलती मेरी नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पर सामने बन रहा वापस से हमारे, चलो ये भाई इतना घूम फिर के मारता है ना भाई, इधर उधर जा जा के मारता है, एक जगह पर टिकता नहीं है भाई ये। चलो यहाँ पर आ गया, बहुत बढ़िया भाई, हमने इसको भी मार दिया हेडशॉट। अब भाई मैं इससे 1 राउंड ही पीछे था, ठीक है, अभी ये 2 राउंड इसको जितना था, लेकिन ये वाली जगह इतनी बेकार आ गई भाई, मेरे को मील इतना बेकार लगता है क्या बोलूँ मैं, मतलब टट्टी अच्छी लगती है इससे अच्छी तो मील से ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ पर सामने बंदा था, मैं इसको मार ही नहीं पा रहा भाई, क्योंकि मैंने ऐसा मैंने ही कस्टम बनाया और ऐसा गंदा कस्टम बनाया। अब यहाँ पर तो इसने मेरे को ना इतना गंदा हेडशॉट मारा कि मेरे को इसकी रिपोर्ट मारनी पड़ी, जब मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन भाई। अरे पुलिस स्टेशन वाली नहीं भाई, वो हैकर वाली रिपोर्ट, कभी कॉन्फिग फाइल लगा खेल रहा है। चलो अब 2 राउंड ही तो आगे भाई, ये वाला राउंड तो हम जीत ही जाएंगे, लेकिन मैं तो वो कुत्ता हूँ जिसकी कुछ कभी भी सीधी नहीं होती, ठीक है। मैं वापस से उसके ऊपर अटैक करने चला गया, जबकि मेरे को डिफेंड करना था भाई, अटैक करने के चक्कर में फिर से मारा गया। आपके मोबाइल या PC की लेफ्ट राइट साइड देखो भाई, उधर देखो कुछ चीज़ जा रही है भाई, ध्यान से देख, उधर कुछ चीज़ निकल रही है, वो तुम्हारे भाई की इज्जत जा रही है और होशियारी निकल रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करके जाओ।